मास्टर सलीम जी के पिताजी अशोक प्राशर जी पप्पी, सरदार शमशेर सिंह जी गुड्डू, हनी बेदी जी, अमृत भाखड़ी जी, ढिल्लो साहब जी, मनप्रीत बंटी, जतेंद्र वरैटी, चौधरी यशपाल, बलजिंदर संधू जी, बाबू सिंह, विजय दानव, राजू ठाकर जी, चरणजीत सिंह जी, श्री पल्ला जी, चौधरी मदन लाल जी बग्गा, विक्रमजीत जी पहलवान, आर डी शर्मा जी, मिंटू शर्मा जी और भी बहुत से सज्जन, अगर किसी का नाम रह गया हो तो क्षमा चाहेंगे।
गजानन भूतगणान् सेवितं कविखजं मोहबलजानुरक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर भागवन्दनम् अतुलित बलधाम महेम शरावयम् धनुज वन कृशानुं ज्ञानिनामग्रन्थयम् सकल गुण निधानं वानराणां निजम् रघुवति प्रिय भगतं वादजातं शिवे सर्वान् साधये शरण्यं त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते करगूर शक्ति हजमान सब अति दुखे हृदय के द्वारा पावन आत्मा पुण्य आत्मा अपने ईश्वर की श्री नरेश धन्य जी स्वतः श्री ओंकाराजी धन्य उस पुण्य आत्मा के लिए प्रभु का नाम लेकर इस पुण्य आत्मा अर्पित करना इस श्रद्धा सुमन हमारे इस जीव के लिए आकर के एक बार मैं कहूंगा एक बार आपने मिलकर कहना श्री राम जय राम जय जय प्राण तन से निकले
श्री भगवान उस वक्त जल जब प्राण तन से निकले एक भगत की है अर्जी एक भगत की है अर्जी खुद गर्ज की है गर्जी आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से जो सरक रहा है वो संसार अपने पूर्व जन्म के कर्म को लेकर के जीव संसार के अंदर आकर के जन्म लेता है। जन्म के समय ही सब निश्चित हो जाते हैं कि जीव ने कहां प्राण छोड़ने हैं स्थान कौन सा है और मौत का कोई ना कोई कारण बन जाता है मौत का कोई ना कोई बहाना बन जाता है कि जिंदगी का साथ टूटा ये जिंदगी का साज टूटा जब पुराना हो गया मौत बेचारी का तो यूं ही बहाना हो गया जमीन चल करके नहीं आती है स्थान का विधाता ने प्राणी अपने आप वहां पहुंच जाता है जगह लिखी परमात्मा तथा अभी भागवत के अंदर भगवान विष्णु महाराज जी आपने जो गरुड़ की सवारी है वाहन है उनका गरुड़ जिस पर सवार होकर के मृत्यु लोग के अंदर आ एक उनका बड़ा सेवक था उनके दर्शन करने के लिए बड़ा भारी पहाड़ कंदरा है अंदर जाने के लिए गरुड़ जी बाहर रह गए भगवान अंदर चले गए उस भगत से मिलने के लिए समात्मा से मिलने के लिए इतने में धर्मराय वहां पहुंच गया उस जगह पर जहां भगवान विष्णु मारे पधारे जब धर्मराय अंदर जाने लगा गुफा की निगाह पड़ी पेड़ पर एक वहां कबूतर बैठा हुआ है पेड़ के ऊपर डाली के ऊपर कबूतर को देख करके और चला गया भीतर गुफा के अंदर आगे देखा कबूतर ने विचार किया यम ने मेरे को निहारा है मेरे को देखा है बड़े गौर से ऐसा लगता कि मेरी मौत नजदीक आ गई विचारा कबूतर ने कि मैं मरना नहीं चाहता मेरे छोटे छोटे बच्चों की पालना कौन करेगा कबूतर उड़ करके गरुड़ जी के पास आ गए गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं प्रार्थना की हमारे गरुड़ जी बचाइए मेरे को बोले क्या हो गया महाराज धर्मराय ने मेरे को बड़े गौर से देखा है ऐसा लगता है कि मेरी मौत बिल्कुल नजदीक है मैं बचना नहीं चाहता बचाऊंगे गरुड़ जी ने क्या किया अपने पंखों पर उसको बिठा लिया आपका नीलगिरी मां छोड़कर वापस आ क्षणों के अंदर वापस आए गरुड़ जी बड़े हाफ रहे हैं पसीने पसीने हो रहे हैं जल्दी गए जल्दी वापस आए भगवान भी गुफा से बाहर आ गए यम गुफा से बाहर आ गया फिर यम ने देखा ऊपर पेड़ के ऊपर फिर मुस्कुरा दिया यमराज पक्षी राय कहते भगवान नहीं मारे क्या बात है गुफा में प्रवेश किया ऊपर देख के मुस्कुराए बाहर भी ऊपर देख के मुस्कुराए क्या बात है ऊपर क्या था यम ने कहा यहां कबूतर बैठा था उसकी मौत की थी 400 कोस की नीलगिरी पहाड़ के ऊपर
400 कोस दूर नीलगिरी पहाड़ से मौत दिखी थी, बेटा यहाँ पर है। मैंने सोचा ब्रह्मा ने गलती की है, इसकी मौत देखने के अंदर झूठी होगी, मैंने ऐसा विचारा। लेकिन अब तेरे नाल इस कारजी शोभा महानसी स्वर्ग सोया फिर न जाएगा, तुझे दुनिया जगाएगी। कितने विश्वास वो संसार के अंदर लेकर के आए, अच्छा जीवन जिया, समाज के लिए जीवन जिया। ये परम पिता ब्रह्मा सावन आत्मा को वैकुंठ का वासा देना है। पिछले असहत जो परिवार को मिला उसे हम शक्ति दे रही है। और बाम के बिहारी लाल आदि का कार्यक्रम है, अयोष्टि की बात है। हरे 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 श्री राम श्री राम। हरे हरे शोक विनाशकारकम्
नमामि विघ्नेश्वरं पाद पंकजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहृदयारविन्दे श्वास श्वास खोए ना जाने इस श्वास का फिरान होए ना होए। लेकिन शास्त्र ग्रंथ कहते हैं इंसान जितना शोक मनाता है उस आत्मा को उतनी पीड़ा होती है। जितने आंसू धरती पर गिरेंगे कोई भी अभागी की बात प्रभु नाम से वंचित ना रह जाए। सभी ने मेरे साथ मिलकर भगवान के पावन पवित्र नाम का स्मरण कर रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। हम सभी प्रयास करें बोलने का रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति ओ निर्दोष कांड
अपनी लंबी यात्रा मुकर गया। विश्वास नहीं कुछ दिन पहले ठीक था, अलगी भाइयों से बात हुई, उनके भाई श्री रमेश जी विजय जी अभी बात हो रही थी कि कुछ दिन ही पहले कहना शुरू कर दिया कि अब मेरा समय नजदीक आ रहा है। जैसे उन्हें अपनी मृत्यु का आभास हो गया, हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते, अचानक पेट में दर्द उठा। यूं तो दुनिया में सदा रहने के लिए कोई आता नहीं, निर्दोष जी जैसे आप गए ऐसे कोई जाता नहीं। अचानक ही मृत्यु का बुलावा आ गया। अच्छे भले अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने भाई बंधुओं के बीच बैठे हुए, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहां तुम चले गए, कहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेह, ना जाने कौन सा देह, कहां तुम चले गए। आज परिवार बच्चे विशेषकर बेटी गुम को अपने पिता की तस्वीर को देखती हुई और कह रही है क्या, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो की होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी तो कौन सा दे, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रस्ते घर गलियां तुम कर ना सके सलाम, हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रस्ते घर गलियां तुम कर ना सके सलाम, हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेह, ना जाने कौन सा दे, कहां तुम चले गए, कहां तुम चले गए। अब
दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेह, ना जाने कौन सा दे कहाँ तुम चले गए कि हाँ तुम चले गए कि हाँ तुम चले गए कि हाँ तुम चले गए। पिता, रोटी है, कपड़ा है, मकान है। माँ के बारे में दुनिया बहुत कुछ कहती है, पिता पिता सूर्य के समान है, माँ चंद्रमे का समान शीतल होती है और पिता सूर्य के समान है। हालांकि सूर्य में अंगार बहुत है, तेज बड़ा है, प्रकाश बड़ा है सूर्य का, लेकिन आज गगन से पूछा जाए कि जिसके सिर से बाप का साया उठ गया, बिना पिता के बच्चे अनाथ हो जाते हैं और बिना सूर्य के जीवन अंधकार हो जाता है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो प्रतिपल घर में राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिल्ली और माँ का शिकार है, पिता है तो बच्चे के सारे सपने अपने हैं, कि पिता है तो बच्चे के सारे सपने अपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, बिना बाप के जीवन किसी काम का, कहने वाले कहते हैं कि बाप का रुतबा किए। सुनो मैं गल सुना कि बाप का रुतबा किए, सुनो मैं हज सुना बाप का रुतबा किए, सुनो मैं सुना बाप का रुतबा किए, सुनो मैं आज सुना बाप का रुतबा किए, सुनो मैं आज सुना। इन्ना प्यार तां ऐवी कर दे जिन्ना कर दिया मां, बाप का रुतबा किए, सुनो मैं आज सुना बाप का रुतबा किए, सुनो मैं आज सुना। जा पूछ उन यतीमों से के, जा पूछ उन यतीमों से, माँ बाप नहीं जिसके, लाखों से करोड़ों से, माँ बाप नहीं मिलते, लाखों से करोड़ों से, माँ बाप नहीं मिलते। जिसके सिर ते प्यो नहीं होता, पुछ होना नू जाके, जिसके सिर ते प्यो नहीं होता, पुछ होना नू जाके, जीना पैंदा इस दुनिया विच कीवें ठोकरा खाके, जीना पैंदा इस दुनिया विच कीवें ठोकरा खाके। प्यो दे मान बड़े होंदे ने, प्यो दे मान बड़े होंदे ने, मुकदी गल मुकावा, बाप दा रुतबा किए,
सुनो मैं अज सुनावा बाप दा रुतबा कीए सुनो मैं अज सुनावा बाप दा रुतबा कीए सुनो मैं अज सुनावा बाबल बाजो तिया नो ना कोई लाड लड़ावे बाबल बाजो तिया नो ना कोई लाड लड़ावे प्यो दे बाजो पुत्रां दे सिर नंगा होवे ते वीर मरण कंड खाली शाला बाप ना मरे किसे दाजा के अंदर के बाप दे बाजो कौन करे रखवाली बड़े भैया नरेंद्र शर्मा काला जी जिनका टेलीफोन आया कि मेरे मित्र मेरे भाई अचानक निर्दोष जी का स्वर्गवास हो गया अच्छे भले कुछ भी नहीं हुआ जाने वाला इंसान एक जाता है लेकिन स्थान कितने खाली हो जाते हैं अगर उनके सुपुत्र पुत्रवधू शैलिका बेटी कुमकुम नैयर विशाल नैयर जी और उनके भाई रंगेश टंड जी विजय टंड जी उनकी बहनें सुमिता बाला राजन मरवाहा जी सुमन उपल जी विजय उपल जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती मीनाक्षी टंड जी जिसके लिए पति का स्थान शुरू में हो गया कहने वाले कहते हैं कि पत्नी के लिए पति का साया उठ गया देवी जी तो रोग है टाटा के सब रोग तो रोग है टाटा के जिस दा नाम निछोड़ा क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि सज्जन बिना दे तुर जाते ने के सज्जन बिना दे तुर जाते ने कतरों वल्लों फोड़ा क्योंकि सब रोगा तो रोग है टाटा जिस दा नाम विछोड़ा के सब रोगा तो रोग के लै ओ सजन हवाले रब ने के लै ओ सजन हवाले रब ने मुड़ मिल एक बारी इस मिलने नो याद कर सोवा उमरा सारी के इस मिलने नो याद कर सोवा उमरा सारी मैं अक्सर कहा करता हूं के अमला वाले लंग लंग जाते के अमला वाले लंग लंग जाते दे काफिल बोते खाते के डुबन ना देन अजे उन्होंने काफिल पी अजे काबिल पीर जिन्ना दे बाबुल बाजो तिया नो ना कोई लाड लड़ावे बाबुल बाजो तिया नो ना कोई लाड लड़ावे प्यो दे बाजो पुत्रा दे ना कोई नाल उठावे प्यो दे बाजो पुत्रा दे ना कोई नाल उठावे प्यो दे सुख बड़े होते ने प्यो दे
बाकी सुनो मैं आज सुना बाप का रुतबा की सुनो मैं आज सुना बाप का रुतबा की सुनो मैं आज सुना सुनो मैं इना प्यार ही कर दे जिन्ना कर दिया मां बाप का रुतबा की सुनो मैं अज सुना बाप का रुतबा की सुनो मैं अज सुना कदर तू कर लै बंदे नहीं ते तू पछताना प्यो की कदर तू कर लै बंदे नहीं ते तू पछताना प्यो गे रुस गया तेरे कोलों वेला हथ नहीं आना प्यो गे रुस गया तेरे कोलों वेला हथ नहीं आना तोड़ के प्यो रोवेगा सिर रख के बाप का रुतबा की सुनो मैं अज सुना बाप का रुतबा की सुनो मैं अज सुना श्री रामायण में जब राजा दशरथ संसार छोड़कर गए भरत लाल बहुत हो गए पिता का साया सिर से उठ गया बिना बाप के जीवन किस काम का इस धरती से भी भारी मां का भार है और इस आसमान से भी ऊंचा अपने पिता का मान और पिता का दर्जा है इसीलिए शायद आदरणीय निर्दोष जी ने उन्हें शायद इस बात का आभास था कि मेरी मृत्यु जल्दी हो जानी है इसलिए अपने बेटे का नाम बड़ा सोच समझ के उन्होंने गगन रखा गगन मीन आकाश जो अपने पिता की जिम्मेवारियों को संभालेगा आसमान की तरह खुले दिल से अपने परिवार का मान सम्मान करेगा पिता की मृत्यु हो गई भरत ने बहुत विलाप किया बहुत रोए भरत के तात तात हाँ तात पुकारी के तात तात हाँ तात पुकारी व्याकुल भारी हे पिताजी आंसुओं के द्वारे अपने पिता के चरण धोए बहुत विलाप कर रहे हैं वशिष्ठ जी इतने ज्ञानवान होते हुए उनके नेत्रों से भी आंसुओं की धारा बहती है और भरत को समझाते हुए ज्ञान देते हुए कि हे भरत अपने पिता के लिए तुम विलाप मत करो रो नहीं एक पुत्र का यह कर्तव्य बनता है जैसे हमारे अजीज गगन जी ने जो जो आदेश ग्रंथों के अनुसार शास्त्रों के अनुसार करुण प्राण के अनुसार इस परिवार को दिए गए हैं सारे परिवार ने मिलकर उन कर्मों को विधि विधान से पूर्ण किया यही बात वशिष्ठ जी ने भक्त से कही मान सम्मान बढ़ाना आज देख रहा हूं मैं ये इतनी बड़ा जलघर आज ये जल सैलाब लगभग 1 बजे से हमने ये सभा शुरू की और लाइटअप का ये समाज के प्रति उन भाइयों का समाज के प्रति स्नेह है प्यार है कि ये इतना जल सैलाब है भक्त जी कह रहे हैं वशिष्ठ जी अपनी स्वर्गीय कृपा क्रांति उनके होनहार सुपुत्र गगन ने अपने पिता की आत्मा की शांति को लेकर पहले दिन चौथा दश गात्र कर्म एकादश कर्म क्रिया कर्म बड़ी विधि विधान से इन कर्मों को ये पूर्ण किया और कह रहे हैं भरत जी को कि सुन हूं भरत भावी प्रबल मरण
अशरी बिहार के हानि लाभ जीवन मरण यश अप यश विदिहा ये सब कुदरत के हाथ में। जाने वाला इंसान एक जाता है लेकिन स्थान कितने खाली होते हैं। बहनों के लिए भाई का स्थान, बेटी दामाद और उनके भाई बड़े भाई अपने बड़े भाइयों को निर्दोष दिया अपने पिता के समान और अपनी भाभियों को मां के समान। के बीजे कनक दे उगड़ पैदा ते पावे नवी नवाई वंड होवे के ते पावे सजना दा सारा पिंड होवे के पाइया बेबस है लाचार। हमारे पास संसार पूरी और ताकत भी पूरी की हुई है क्योंकि जिंदगी जिंदा देवी का नाम है और दस धरती पर आए राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार कहे नानक फिर कछु नहीं सपने जो संसार। जो भी धरती पर जन्मा है उस इंसान का त्याग करके चले जाए इसलिए भरत अपने पिता को रो के ना विदा करो। अपने पिता की जो विदाई है सत्संग करो कीर्तन करो भगवान का स्मरण करो ताकि उसकी आत्मा को शांत होंगे। परिवार के सभी सदस्य गुरुभाग सिंह जी उनके साला साहब कमल जी जी रविंद्र पाल जी बेटी कुमकुम नैयर दामाद विशाल जी और भाई रमेश विजय जी और बहने और दामाद यही प्रार्थना करूंगा। मेरे दोस्त जी भी कह रहे हैं कि मुझे रोगे विदाई मत दो मेरे लिए भगवान का स्मरण करो सत्संग करो ताकि मेरी आत्मा प्रभु चरणों में जाकर लीन हो जाए। आपने भी सभी ने प्रार्थना करनी है और मेरे दोस्त जी अपने बच्चों से अपने परिवार से क्या कह के रोगे न मुझको विदा करो रोगे न मुझको विदा करो कीर्तन करो रोगे न मुझको विदा करो रोगे न मुझको विदा करो कीर्तन करो आंखें न अपनी नम करो आंखें न अपनी नम करो कीर्तन करो रोके न मुझको विदा करो याद कर लिया करो फूलो फलो और खुश रहो कभी याद कर लिया करो जाने का मेरे नगम करो जाने का मेरे नगम करो कीर्तन करो कीर्तन करो रोके न मुझको विदा करो रोके न मुझको विदा करो। जितना भी फर्ज निभाया है जितना भी फर्ज निभाया है जितना भी साथ पाया है जितना भी फर्ज निभाया है जितना भी साथ पाया है बाकी सफर तुम स्वयं करो बाकी सफर तुम स्वयं करो कीर्तन करो कीर्तन करो रोके न मुझको विदा करो रोके न मुझको
विदाई रो के नहीं दो, उनकी यात्रा आसान हो, उनकी यात्रा आसान हो। वो कह रहे हैं क्या, मेरी यात्रा आसान हो, मेरी यात्रा आसान हो, मेरे साथ हरि का नाम हो, मेरी यात्रा आसान हो, मेरे साथ हरि का नाम हो। सबको मेरी आशीष है, सबको मेरी आशीष है, राखा तुम्हारा जगदीश है, सबको मेरी आशीष है, राखा तुम्हारा जगदीश है, उसको ही हर दम याद करो, उसको ही हर दम याद करो। यही प्रार्थना करूंगा कि जाने वाली रूह, जाने वाली पवित्र आत्मा, इतना बड़ा जन सैलाब, सभी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, यहाँ पर बहुत से लोग इस परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए आए हुए हैं। हमारे बीच में अशोक प्राशद जी, पप्पी चौधरी, यशपाल जी, विजय दानव जी, जितेंद्र बरेटी जी, और भी बहुत से सज्जन, नरेंद्र शर्मा काला जी, और हमारे बहुत से नाम, श्री अवतार हेमरी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण जी, आशु एमएलए सुरेंद्र डावर जी, राकेश पांडे जी, गुरमेल पहलवान जी, नरेंद्र शर्मा काला काउंसलर, उस्ताद पूरन शाह जी कोटी, और मास्टर सलीम जी के पिताजी अशोक प्राशद जी पप्पी, सरदार शमशेर सिंह जी गुड्डू, हनी बेदी जी, अमृत पाखड़ी जी, किलो साहब जी, मनप्रीत बंटी, जितेंद्र बरेटी, चौधरी यशपाल, बलजिंदर संधु जी, बाबू सिंह, विजय दानव, राजू ठाकर जी, चरणजीत सिंह जी, श्री पल्ला जी चौधरी, मदन लाल जी बगा, विक्रम जी जी पहलवान, आरटी शर्मा जी, मिंटू शर्मा जी, और भी बहुत से सज्जन, अगर किसी का नाम रह गया हो तो क्षमा चाहेंगे। पटियाला से मनमोहन बकूल जी, और हमारे पानीपत से सरकार, सच्ची सरकार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है, जो भी गरुड़ प्राण से पूर्ण किया है। आइए गगन जी आए और गरुड़ प्राण की पूजा करें। गगन जी आ जाओ। ओ मंगलम हरि परम पूर्ण गौरम करुणामतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदावसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मोहन जी, बेटा जी, सिमरनजीत जी, मोहन मकबूल जी पटियाला से सभी आए हैं, जिनका अगर नाम रह गया तो क्षमा चाहेंगे। तो आरती होगी, आरती के साथ रसम पगड़ी होगी, जिन्होंने पगड़ी देनी है। वैष्णव मसी विष्णवी वाह श्री करो प्राणाय नमो नमः। चला दो, हाँ जी गगन आज बैठ दो। आइए सभी मिलकर आरती का गायन करें। आइए भगवान की आरती हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय की नाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों Oh, yeah,
डॉक्टर साहब
ਹੋਣਾ।